everyone, welcome to GOIS. So today we will be dealing with the part 4 of fundamental rights. आज हम fundamental rights के part 4 को discuss करेंगे. इसके पहले last video में I had discussed with you article 19 sub clause 1 and in this I had told you that article 19 जो है हमारा right, article 19 जो है वो हमारे various freedoms यानी कि हमारे 6 freedoms के साथ deal करता है. राइट, इनमें से मैंने आपको बोला था दैट आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए बी सी डी ई एफ जी है हमारे पास. इनमें से एफ को रिपील कर दिया गया था बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 और ये जो था दिस वाज द राइट टू प्रॉपर्टी. राइट, उसके अलावा सारे के सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट. सो आर्टिकल 19(1)(a) डील्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड इसके रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो है वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में दिए हुए हैं. राइट, अब इसके बाद चलिए हम अगले फंडामेंटल राइट को हमारे देखते हैं. द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट जिसके साथ आज हम डील करेंगे इज आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1(b). राइट, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1(b) जो है दैट डील्स विद आवर फ्रीडम ऑफ असेंबली, हमारे फ्रीडम ऑफ असेंबली के साथ बात करता है. अब आप बोलेंगे मैडम असेंबली क्या होता है? देखिए इंडिया में आप अक्सर देखते होंगे प्रोसेशंस निकलते हैं. राइट, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रैलीज निकालते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि किसी इंडिविजुअल के लिए हम एज इंडिविजुअल्स एज सिटीजंस हम भी मार्चेस करते हैं, है ना. तो ये सारी चीजें जो है हमें इसका राइट कहाँ से मिला? ये राइट हमें मिला था आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1(b) से. राइट, दिस टेल्स अस दैट ऑल इंडिविजुअल्स इररिलेवेंट ऑफ व्हाट बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम हम फ्रीडम ऑफ असेंबली कर सकते हैं. राइट, अब मैडम आप बोलेंगे मैम इज दिस एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट? नहीं, ये एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है. मतलब इसमें भी हमारे रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है. ऑफ कोर्स इसमें भी हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है. मैडम किस आर्टिकल में है? दिस इज इन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3. मैडम क्या क्या है हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन में? प्लीज मेरे वर्ड्स को मार्क करिएगा. एनीथिंग दैट इफेक्ट्स द सोवरेनिटी, the integrity and public order. कोई भी चीज अगर public order, ठीक है, public order, sovereignty और integrity को affect करती है, that thing is within reasonable bounds of restriction. आप बोलेंगे मैडम एक बात बताएं, ये कैसे हम mark out करेंगे? समझ लीजिए आपने बोला कि हमें peaceably आना है. मैम peaceably word हमने कभी नहीं सुना. What is the meaning of peaceably? हमने peacefully तो सुना है मैम, what is the meaning of peaceably? देखो हमारे constitution में exactly यही word लिखा है peaceably. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर एक individual को कोई march करना है, कहीं से कहीं जाना है, एक बहुत बड़े बहुत सारा एक गुट है, वो गुट एक point A से point B पे जाना चाहती है, बहुत लंबा march है, तो ये जो मार्च है वो एक ही तरीके से कर सकती है कि अगर वो इंडिया का सोवरेनिटी, इंडिया का इंटेग्रिटी और इंडिया के पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट ना करे. अब आप बोलेंगे मैडम पीसिबली का मतलब क्या है? देखिए अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना चाहता हूँ, मुझे ये चीज एकदम आराम से करना है, मुझे ऐसा कोई चीज नहीं करना है. राइट, ये नहीं कि मैं चुपचाप तो जा तो रहा हूँ बट मेरे हाथ में जो है ना बहुत सारे आर्म्स है, मैं बंदूकें ले चल रहा हूँ. आई एम सेइंग कि मैं फायर नहीं करूंगा बट मैं अपने बंदूकों को लेकर चलूंगा. तो इससे क्या होगा, मैं आसपास के लोगों को भड़का रहा हूँ. ये सुनो दैट मेरे अगर हाथ में इफ आई हैव अ सेट ऑफ गन्स, मैं उस गन को लेकर ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं पीसफुली जा रही हूँ, मेरे हाथ में गन है मगर मेरे गन में ना गोलियां नहीं है. राइट, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका पब्लिक ऑर्डर इफेक्ट होगा, है ना. इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हुआ है कि भाई अगर आपको कोई भी असेंबली लेके जाना है आपको उसको पीसिबली लेके जाना पड़ेगा. दैट मीन्स There should be no brandishing of arms. मैंने क्या बोला? No brandishing of arms. मैम brandishing मतलब brandishing का simple मतलब होता है show off नहीं करना. हमें बंदूकों का, हमें तलवारों का, हमें swords का कोई show off नहीं करना. अगर आप इस तरह का show off करते हो आप article 19 sub clause 3 के अंतर्गत reasonable grounds of restriction में पड़ जाते हो और आपके इस procession को रोका जा सकता है. मैडम एक बात बताइए, आपने बोला ब्रैंडिशिंग ऑफ आर्म्स, इसमें ना कुछ तो एरर है. देयर इज सम इशू विद दिस.
मैडम हमने देखा है कि जब भी मोहर्रम के टाइम में मुस्लिम्स का ताजिया निकलता है ना, ताजिया निकलता है, उसमें ये लोग स्वॉर्ड्स लेके निकलते हैं, दे हैव मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लेड्स, जिससे वो खुद को ही मारते हैं। मैडम हाउ इज दैट, मैम ये कैसे हम अलाउ कर सकते हैं? मैडम ये तो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन में आता है। नहीं गाइस, ये ताजिया जो होता है, या अगर आप सिख्स को देखोगे, जब सिख्स निकलते हैं वो भी अपना किरपान लेके निकलते हैं, राइट, एक कतार रहता है उनके पास, दे हैव अ कतार, यू नो इट इज अ काइंड ऑफ नाइफ कतार। तो ये जो कतार रहता है और ये जो ताजिया का प्रोसेशन निकलता है गाइज, ये ना राइट टू रिलीजन में आता है। दिस इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25। दे से दैट दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन, इसीलिए आर्टिकल 25 से ब्रैंडिश होता है। इट इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 19(1)(b). दिस इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 19(1)(b). ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ इंडिया फ्री टू असेंबल। आप लोग कहीं पे भी अपना असेंबली कर सकते हो, पीसिबली असेंबली करना होगा आपको, आपके पास कोई आर्म्स नहीं होने चाहिए, देर शुड बी नो शो ऑफ ऑफ आर्म्स, और आपके हाथ में भी कोई आर्म्स नहीं होना चाहिए। आपका प्रोसेशन तभी रोका जाएगा जब आप इन तीनों ग्राउंड्स को, यानी आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर ऑफ इंडिया को इफेक्ट करते हो, ओनली अंडर दोज ग्राउंड्स, सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स के अंदर जो है हम आपको रोकेंगे। ऑल राइट मैम, मैम एक बात बताइए, यू हैव टू टेल मी वन थिंग मैडम, जैसे फ्यूचर में अगर आप आई एस बन जाते हो, आई टेल यू वन थिंग, फ्यूचर में अगर आप लोग आई एस बन जाते हो, है ना, अब आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि अगर 10 से 12 लोग इस पर्टिकुलर एरिया में इकट्ठे होंगे, यू नो दैट इफ देर आर 10 to 12 पीपल इन वन एरिया, आपको पता है ये लोग जो इकट्ठा होंगे ना, ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मारपीट ही करेंगे, लोगों को उकसाएंगे ही, इंडिया का पब्लिक ऑर्डर इफेक्ट करेंगे, यस। तो आपको पता है कि भाई आपको तो इसे किसी तरह रोकना है, बट अगर आप इन्हें रोकने जाओगे तो आप तो कहीं ना कहीं इनका 19(1)(b) राइट टू असेंबली छीन रहे हो, यस यस और नो। मगर एक आईएएस ऑफिसर को पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया हुआ है, दिस इज सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मैंने क्या बोला कि भाई देखो हम सीआरपीसी, यस हम सीआरपीसी के तहत सेक्शन 144, आपने पेपर्स में अक्सर देखा होगा कि भाई धारा 144 यहां पर लग गई है। सो ये धारा 144 क्या है, धारा 144 बोल सकते हैं में एक आईएएस ऑफिसर यानी कि एक पब्लिक सर्वेंट ये बोल सकता है कि भाई देयर शुड नॉट बी एन असेंबली ऑफ पीपल। वो क्या कर सकता है, इट ही कैन रिस्ट्रिक्ट और लिमिट, मैंने क्या बोला, ही कैन रिस्ट्रिक्ट और लिमिट द नंबर ऑफ पीपल इन अ गैदरिंग। वो ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो गैदरिंग होगी इसमें 4 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते, राइट, इट इज नॉट अ नंबर दैट हैज बीन डिफाइंड। ये नंबर डिफाइन करता है सेक्शन 144 में, आईएएस जब भी इसे पास करेगा, एक आईएएस ऑफिसर, वो इसमें बता देगा कि भाई इसका कितने मिनिमम, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एक एरिया में इकट्ठा हो सकते हैं। तो एक आईएएस के पास ये पावर होता है कि सेक्शन 144 लगाकर किसी का भी अनलॉफुल असेंबली इन द नेम ऑफ पब्लिक ऑर्डर वो रोक कर रखते। ऑल राइट मैडम, और एक बात बताइए मैडम, ये ऑर्डर जो है, इज इट अ लीगल ऑर्डर? दिस ऑर्डर इज नोन एज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। व्हाट डिड आई से, दिस ऑर्डर इज नोन एज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। सो मैडम आपने हमें ये बोला है कि आर्टिकल 19(1)(b) में जो हम ताजिया देखते हैं, जो सिख्स को हम देखते हैं कतार लेके जाते हैं वो लोग अपने प्रोसेशन में, मैडम दैट फॉल्स अंडर आर्टिकल 25, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सेप्शन, एब्सोल्युटली। मैम आपने बोला कि आईएएस जो है पब्लिक ऑर्डर के नाम पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकता है, जिससे कि किसी एरिया में सेक्शन 144 लगाकर ही कैन लिमिट द नंबर ऑफ पीपल कमिंग इन। तो मैम ये भी तो हमारे हमारा लिबर्टी ले रहा है, ऑफकोर्स ये भी ले रहा है। ओके मैम एक बात बताइए मैडम, हमने WBCS या UPSC में भी हमने ये क्वेश्चन देखा है 2019 में कि राइट टू स्ट्राइक का हमारे पास एक राइट है ना मैम, राइट टू स्ट्राइक है मैम, राइट टू स्ट्राइक भी मतलब स्ट्राइक में तो यही होता है ना कि एक फैक्ट्री या एक कंपनी के बाहर सारे के सारे जो वर्कर्स है, सारे के सारे जो मजदूर है वो इकट्ठा हो जाते हैं और वो वहां पर अपना धरना दे देते हैं। मैडम दिस इज ऑल्सो अंडर आर्टिकल 19(1)(b). This is also not under Article 19(1)(b). No. Of course not. Right to strike जो है, it is not covered under Article 19(1)(b). Strike के वक्त usually क्या होता है? जो बाहर के workers होते हैं,
वो कभी कभी फैक्ट्री के गेट्स में ताला मार देते हैं, राइट। अगर कोई यहाँ पे फोर्सिबली एंट्री करने का कोशिश करेगा, समझ लीजिए मालिक ही है जो फोर्सिबली एंट्री करने का कोशिश करेगा, तो वहां पर क्या होता है, मजदूर के साथ उनकी हाथापाई हो जाती है। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉयलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर। और अगर पब्लिक ऑर्डर वॉयलेट होगा वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 के अंदर में चला जाएगा, राइट। दिस इज व्हाट इज नोन एज द रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। इसीलिए गाइज हम क्या बोलते हैं कि राइट टू स्ट्राइक जो है, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। यस, ऑल राइट। सो हमने अब तक कौन कौन से आर्टिकल्स किया है? अब तक वी हैव कवर्ड आर्टिकल 19(1)(a), राइट। 19(1)(a) डील्स विद व्हाट? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन हमने क्या बोला है? 19 सब क्लॉज 2। ऑलराइट मैडम, उसके बाद हमने 19(1)(b) किया है। 19(1)(b) डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद फ्रीडम ऑफ असेंबली। इसके रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो है वो 19 सब क्लॉज 3 में दिए हुए हैं। ऑल राइट मैम, चलिए अब हमें कौन सा करना है? नाउ वी विल डू आर्टिकल 19(1)(c). यस, बट 19(1)(c) में क्या बोला हुआ है? लेट अस सी वेरी नाइसली। 19(1)(c) जो है वो ये बोलता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। मैम एसोसिएशन मतलब, एसोसिएशन का मतलब है हम अपना एक गुट बना सकते हैं। वी कैन मेक आवर ओन ग्रुप्स, है ना। तो ये देखो, वी कैन क्रिएट आवर ओन ग्रुप्स, वी कैन क्रिएट आवर ओन एसोसिएशंस। हम अगर चाहे तो पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं। इट इज अ फंडामेंटल राइट गाइज, टू क्रिएट अ फंडामेंटल, टू मेक अ पॉलिटिकल पार्टी। मैडम हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। वेरी गुड, आप समझ रहे हो कि भाई अगर आपको लगता है कि आप कुछ चेंज ला सकते हो, यू पीपल आर अ ग्रुप ऑफ पीपल जो इंडिया में कुछ चेंज ला सकते हो, आप लोग एक पॉलिटिकल पार्टी बना लो, आप लोग एसोसिएशन बना लो, आपका ये फंडामेंटल राइट है। अब समझ लीजिए, देयर इज अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ये बोलता है मैडम मैं लश्करे तायबा बनाता हूँ, आई एम मेकिंग लश्करे तायबा, ठीक है, लश्करे तायबा, आई एम अ ग्रुप और आई बिलीव इन इस्लामिक रेडिकलिज्म, ये मेरा सोच है, ये मेरा ग्रुप है, इट इज माय फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज 1(c). तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलेगी बेटा ऐसी बात नहीं है, आप बोलोगे कि मैं ISIS बना रहा हूँ, आप बोलोगे मैं लश्करे तायबा बना रहा हूँ, आप बोलोगे मैं जमातुल दावा बना रहा हूँ, आई विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट। तो हम बोलेंगे सर क्यों, व्हाई विल यू डू दिस टू अस, आई एम बिकमिंग वेरी सीरियस, आई विल आस्क द गवर्नमेंट क्यों नहीं मुझे करने दे रहे हो। गवर्नमेंट विल से कि मैंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया है व्हाट इज नोन एज बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने इन्हें कर दिया है बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, एंड इन बैंड ऑर्गेनाइजेशंस को आई एम गोइंग टू ट्रीट अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो एक्ट है ये 2019 में भी रिसेंटली अमेंड किया गया था, राइट। अब ये जो है लश्करे तायबा, ISIS, समझ लो मैं बोलता जमातुल दावा, आई एम मेकिंग दीस काइंड ऑफ प्लेसेस, ठीक है, दीस काइंड ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट ने बैन किया है एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, राइट। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि इसके रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन भी है। मैम क्या है रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन और कहाँ मेंशन्ड है? इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल सब क्लॉज 19(4). मैम क्या है इसके रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन? लिसन मैडम, सोवरेनिटी है। यस, सोवरेनिटी है मैडम। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यस इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मैम। उसके बाद पब्लिक ऑर्डर, मैडम सेम है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के 3 के तरह सेम है, बस एक क्लॉज यहाँ पे और घुस जाता है, एंड दैट क्लॉज इज द क्लॉज ऑफ मोरालिटी। व्हाट डिड आई से? दिस इज द क्लॉज ऑफ मोरालिटी। मतलब मैडम, मतलब समझ लो, आप ISIS लश्करे तायबा नहीं बोलते हो, बट आप क्या बोलते हो, मैं ड्रग्स का व्यापार करूंगा, आई विल बिकम अ ड्रग्स स्मगलर। मैडम एसोसिएशन के नाम पे मैं एक ड्रगी ऑर्गेनाइज एसोसिएशन तो बना ही सकता हूँ ना। लेट मी मेक दिस, यू आर नॉट अलाउड, वी विल नॉट अलाउ यू टू मेक एनी ड्रग कार्टल्स। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी कि आप कोई सिंडिकेट बनाओ, राइट, आप लोगों से अनलॉफुली पैसे लो। यस, वी विल नॉट अलाउ यू टू मेक अ सिंडिकेट। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आप देखोगे आर्टिकल 19(1)(c) ने रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन में प्लेस करके रख दिया है, राइट। अब आप बोलेंगे मैडम इज आर्टिकल 19(1)(c) एप्लीकेबल टू एवरीवन, यानी कि सब लोग, हम लोग समझ लीजिए एक ऑफिस में रहते हैं, क्या हम अपने ऑफिस वालों के खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं? कैन आई मेक एन एसोसिएशन अगेंस्ट माई ऑफिस? यस, प्राइवेट इंडिविजुअल्स अलाउड। मैडम कौन कौन अलाउ नहीं रहता है?
भाई एक बात बताइए, अगर बाय द वे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पुलिस बोलती है कि भाई मुझे ना सैलरी बहुत कम मिल रहा है, मैं जो हूं ना मैं इंडिया के खिलाफ नहीं रखूंगा, आई विल नॉट टेक केयर ऑफ इंडिया, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट डू पेट्रोलिंग, आई विल नॉट लॉकअप क्रिमिनल्स, मैं सारे क्रिमिनल्स को खोल कर रख दूंगा, यू रियलाइज व्हाट विल हैपन? पब्लिक ऑर्डर पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, इंडिया का इंटीग्रिटी पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, येस और नो? तो इसकी वजह से वॉट इज बींग सेड कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस दैट हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री, दैट हेल्प इन टेकिंग केयर ऑफ द पब्लिक ऑर्डर ऑफ द कंट्री विल नॉट बी गिवेन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. मैम ऐसे कौन कौन से एसोसिएशन है? सबसे पहला तो हमारे पास है हमारा पुलिस. भाई पुलिस नहीं रहेगी तो हमारा पब्लिक ऑर्डर कैसे मेंटेन करेगा? उसके पास हमारे पास रहता है हमारे आर्म्ड फोर्सेस, हमारी आर्मी. यस हमारी आर्मी होती है, हमारी नेवी होती है, हमारी आर्मी नेवी, देन यू हैव एयरफोर्स. इन लोगों को फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है, इसीलिए आप क्या देखोगे, मैक्सिमम गवर्नमेंट इन मैक्सिमम गवर्नमेंट पीस पब्लिक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशंस कोई एसोसिएशन या असेंबली आपको नहीं देखने को मिलेगी. व्हाई? बिकॉज दे आर बैंड अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 4. यस ऑलराइट, चलिए अब हम आगे करते हैं. सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड आर्टिकल 19(1)(c), ठीक है, जिसका रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज रिटन अंडर 19 सब क्लॉज 4. ठीक है, चलिए नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड अगेन. अब हम करेंगे आर्टिकल 19(1)(d). 19(1)(d) किस चीज के साथ डील करता है? नाउ 19(1)(d) डील्स विद द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. मैडम इसमें कोई रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है? हाँ, सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन तो ये है कि आप सिर्फ इंडिया के अंदर ही ये बात कर सकते हो. मैडम अगर मुझे इंडिया के बाहर जाना हुआ तो, इफ आई हैव टू गो आउटसाइड इंडिया, अगर आपको इंडिया के बाहर जाना है, यू विल हैव टू हैव अ वैलिड पासपोर्ट, यू विल हैव टू हैव अ वैलिड वीजा फॉर द कंट्री यू आर गोइंग टू, अदरवाइज इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हो. मैडम एक बात बताइए, जब भी हम ये देखते हैं कि इंडिया में समझ लीजिए कर्फ्यू लग गया, राइट, हम क्या देख रहे हैं, देर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स जिनका गवर्नमेंट के साथ लड़ाई चल रहा है, या गवर्नमेंट फॉर सम रीजन इंडिया का पब्लिक ऑर्डर, इंडिया का सेफ्टी मेंटेन करने के लिए ये कर्फ्यू लगा देती है. मैम दिस इज ऑल्सो अ बैन ऑन अ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं हो पा रहा, दैट मीन्स मैम हमारा 19 सब क्लॉज 4 वॉयलेट हुआ. नहीं, कर्फ्यू इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, राइट, इट इज वॉट, इट इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. और अगर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हमें दिया जाता है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर. व्हाई? टू मेंटेन इंडियाज यूनिटी, इंडियाज इंटेग्रिटी, राइट. ओके मैम, अब एक बात बताइए, मैम हमारे पास कोई इम्प्लिसिट बैन तो नहीं है? देखो कोई इम्प्लिसिट बैन नहीं होता, बैन जो भी होता है हमारे यहाँ, इट इज देयर ओनली मेंशन्ड इन द रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन. मैम अभी रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या है इसके? देयर आर टू इंपॉर्टेंट रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन. एक है इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक. मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक. ओके मैडम, और इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल एरियाज. मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल एरियाज. अब आप बोलेंगे मैडम शेड्यूल्ड एरियाज मतलब, आप लोगों को याद है अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जाना रहेगा, देयर इज समथिंग नोन एज इनर लाइन परमिट, राइट. अब क्या होता है, एनी इंडिविजुअल, अब आप बोलेंगे मैडम ये तो इंडिया के अंदर ही आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, तो हमें यहाँ जाने के लिए इनर लाइन परमिट में इतने सारे परमिशन क्यों लेने पड़ते हैं, हमें तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है. बट ये इसीलिए है गाइस, ताकि वहाँ के शेड्यूल्ड एरियाज, वहाँ के ट्राइबल लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके. मैम आप बोलेंगे इन्हें प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? गाइस द पॉइंट इज, यहाँ के जो लोग होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा भोले होते हैं, वो एकदम बच्चों के जैसे होते हैं, उन्हें ज्यादा आइडिया नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, और कहीं ना कहीं उनका अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर है. व्हाट डू दे हैव? दे हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट कल्चर, दे ओन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 में उनका जनरल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज को मेंटेन किया है. ऑलराइट, चलिए अब इसमें कुछ थोड़ा सी और थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, ताकि आपको हमारा करंट सिचुएशन भी हो सकता है समझ में आ जाए. अच्छा, तो अब आप बोलेंगे मैडम समझ लीजिए मैं एक मिलिट्री एरिया में जाना चाहता हूँ, मुझे वहां पर लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है. क्यों? इसीलिए गाइस, बिकॉज ये जो एरिया है, दिस हैज बीन प्रोटेक्टेड इन द नेम ऑफ द जनरल पब्लिक.
ऑलराइट मैम, मैं कहाँ कहाँ नहीं जा सकती? भाई आप किसी मिलिट्री एरिया में नहीं जा सकते, यू कैन नॉट एंटर अ मिलिट्री एरिया। आप आज गालवान वैली में जाकर वहां पे धरना नहीं दे सकते, व्हाई? बिकॉज वहां पर अभी मिलिट्री एक्टिविटी हो रहा है, इट इज एन एलओ, इट इज नियर द एलएसी, वहां पे आपको जाने नहीं देंगे। अगर ये एरिया एक डिप्लोमेटिक एरिया है, अगर आप लोगों को पता है, आप लोग कोई डिप्लोमेटिक एरिया से यू कैन नॉट इजिली एंटर इन टू एनी प्लेसेस, कमिश्नरेट या काउंसिलेट, वहाँ आप नहीं जा सकते मैडम। क्यों? बिकॉज दैट एरिया इज टेक्निकली द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉरेन कंट्री इन इंडिया, तो वहाँ पर आप जा नहीं सकते मैम। और कहाँ नहीं जा सकते भाई? अगर कोई क्लासिफाइड सीक्रेट एरिया हो, यस, कोई क्लासिफाइड एरिया है, इट इज क्लासिफाइड एज अ सीक्रेट एरिया, वहाँ पर आप नहीं जा सकते मैडम। मैं रॉ के हेडक्वार्टर्स जाना चाहता हूँ, यू कैन नॉट इवन गो टू द रॉ हेडक्वार्टर्स, यस। आप ना शेड्यूल्ड एरियाज में भी नहीं जा सकते, मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स में नहीं जाने दूंगा, मैं वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। आई विल नॉट अलाउ यू टू गो टू, आई विल नॉट टू द कोर जोन ऑफ फॉरेस्ट, मैं अपने, आई एम मेंटेनिंग द स्पीशीज इन द एरिया, राइट? तो ये सब जो है दैट फॉल्स अंडर इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5, यस, ऑलराइट। अब आप बोलेंगे ओके मैम और कोई रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर है? एक बात आराम से समझना, एक एग्जांपल ले लो। आप हाईवे में अपनी गाड़ी चला रहे हो, यू हैव अ वेरी बिग कार, राइट? अब अपनी गाड़ी आराम से चला रहे हो, अब यहाँ पर आप क्या देख, आपके पास लेकिन पैसे नहीं है, यू डू नॉट हैव एनी कैश इन योर पॉकेट। आप यहाँ पर आके देखते हो एक टोल गेट बना हुआ है, यू कम एंड सी देयर इज अ टोल गेट। टोल गेट पे आपको रोका जाता है, यस, आपको रोक के बोला जाता है पैसे दो तब तुम्हें आगे जाने देंगे, वरना वी विल नॉट लेट यू गो फॉरवर्ड। अब आप बोलते हो मैडम ये भी तो हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर बहुत बड़ा बैन है, यस और नो? कि मैं जो है आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट लेकर जा रही हूँ, गाइस दिस इज व्हाट इज नोन एज स्टॉपिंग ऑफ अस मैम, ये स्टॉपिंग है 19(1), ये तो भाई हमारे रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन में भी नहीं है। मैं तो रास्ते में गाड़ी चला रही हूँ तो मुझे यहाँ क्यों रोका जा रहा है, राइट? अब क्या होता है देखिए, दिस हैड हैपेंड इन इंडिया, बहुत बार ऐसा हुआ है कि भाई ये हुआ था। आप बोलेंगे मैडम ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है दैट इज बीइंग वायलेटेड, अब्रेज्ड एंड कॉन्ट्रावीन, एंड दिस वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? आई विल नॉट नेम द केस, केस की जरूरत नहीं है आपको, बट आई जस्ट टेल यू क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ना बड़ी सुंदर तरीके से एक जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि समझ लो देयर आर टू प्लेसेस ए एंड बी, राइट? और ए एंड बी के बीच एक ही रास्ता है, तो गवर्नमेंट जो है कैन नॉट टेक एनी टोल फीस इन दिस एरिया। आप कोई टोल फीस इस एरिया में नहीं ले सकते हो, बिकॉज अगर आप एक ही रास्ते के ऊपर टोल फीस ले लोगे, तो कहीं ना कहीं आप एक इंडिविजुअल का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दे रहे हो। आप उसे बोल रहे हो कि आप पैसे भरने ही पड़ेंगे आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए, दैट मीन्स यू आर टेकिंग अवे हिज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि समझ लो देयर इज अ प्लेस ए एंड बी, और समझ लो यहाँ पर आपने बहुत सुंदर रास्ता बनाया, राइट? तो गवर्नमेंट बोलता है कि सर हमने इतना सुंदर रास्ता बनाया है, इस रास्ते में बहुत सारे पैसे लगेंगे, राइट? इस रास्ते में बहुत सारे पैसे लगे हैं और लोगों को आराम से फ्रीडम ऑफ मूवमेंट करने के लिए, इस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट करने, हम लोगों को एकदम अच्छे से मूव कराएंगे, जहां 3 घंटे लगते थे पहले अब 2 घंटे लगे हैं, बट कहीं ना कहीं हमें कुछ एक पैसा मेंटेन तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम टोल ले रहे हैं। वी आर नॉट ट्राइंग टू कट पीपल्स पॉकेट्स, वी आर ट्राइंग टू डू दिस फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर दो जगह है ए और बी, एक अगर एक रास्ता है तब तो आप टैक्स कर ही नहीं सकते हो, इररिलेवेंट आपने कितना अच्छा रास्ता बनाया, लेकिन अगर ए और बी है और ए और बी के बीच में देयर आर अदर रोड्स, ठीक है, पतला रास्ता भी हो लेकिन रास्ते हैं, ठीक है, एंड से यू वांट टू टैक्स दिस बड़ा सा रास्ता जो तुमने बनाया है, दैट इज वैलिड, दैट इज वॉट इज नोन एज वैलिड, आप इसे वैलिड कर सकते हो, ठीक है? अगर अगर एक ही रास्ता है तो कोई पैसे नहीं लो, अगर एक से ज्यादा रास्ते है तो एक काम करो, बढ़िया से हाईवे बनाओ, बढ़िया से पुल बनाओ, बढ़िया से सब कुछ बनाओ, एंड यू कैन चार्ज फॉर दिस। सो गाइज दिस वॉज नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, व्हाट डिड आई से, डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि इफ देर आर टू प्लेसेस, प्लेस ए प्लेस बी, और इनके बीच एक ही रास्ता है कनेक्ट करने को, तो जो गवर्नमेंट जो है वो कभी इस जगह को टैक्स नहीं कर सकती। अगर देर आर मोर देन वन रोड कनेक्टिंग ए एंड बी, इन दैट केस द गवर्नमेंट कैन टैक्स अ पर्टिकुलर रोड ताकि वो इसे रोक ना सके। अब आप बोलेंगे मैडम एक बात बताइए, मैम इसे तो इनडायरेक्टली भी किया जा सकता है। समझ लो गवर्नमेंट क्या कर रही है,
समझ लो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इट इज सेइंग कि से कैसे मैं इस रास्ते को और इस रास्ते में मैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लगा दे रहा हूँ और ये चारों जगह बंद हो गया, तो एक इंडिविजुअल के पास कोई ऑप्शन नहीं, वो सिर्फ यहाँ से यहाँ जा सकेगा, यस और नो? तो ये तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसी का पाथ रोकना हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में ये भी बोला है डॉक्ट्राइन में कि भाई ऐसा भी आप नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता है कि अगर आप बाय द वे चाहते हो कि इंडिविजुअल ये रास्ता यूज करे तो यहाँ से जो भी फ्लाइट वगैरह जाती थी, से यहाँ समझिए ए से बी में फ्लाइट भी जा रहा है, तो आप ये कर दो कि फ्लाइट का दाम आप फ्लाइट को इतना टैक्स कर दो कि इसका कॉस्ट हो जाए 10 लाख रुपीज, आप ऐसा भी नहीं कर सकते, राइट? ये आप क्या होगा, इनडायरेक्टली टैक्स करोगे, इनडायरेक्टली प्राइस बढ़ा कर रहे हो। ओके, अब हम चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट इसका देखते हैं। अब आप बोलेंगे मैडम रिसेंटली गवर्नमेंट ने मुझे कर दिया है क्वारंटाइन, यस और नो? आज हम क्वारंटाइन में फंस रहे हैं, है ना? ऐसा ही कुछ दिन पहले भी हुआ था, गुजरात में एक प्लाग आया था, और गुजरात में जो प्लाग आया था उसके वजह से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने क्या किया था, सारे लोगों को गुजरात के अंदर आने से भी मना कर दिया था और आप गुजरात के बाहर भी नहीं जा सकते थे, एंट्री पे भी बैन कर दिया था, एग्जिट पे भी बैन कर दिया था। इसी तरह अभी आप देखो तो कोरोना वायरस के चक्कर में हमें ना घरों से बाहर निकलने दिया जा रहा है, ना हम वापस जाते हैं। तो आप बोलेंगे मैडम ये भी तो हमारा आर्टिकल 19(1)(d) को वायलेट कर रहा है। अरे नहीं नहीं ये आर्टिकल 19(1)(d) को नहीं कर रहा है, ये जो कर्फ्यू होता है, ये जो क्वारंटाइन होता है, ये बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है, इसीलिए दीज डू नॉट फॉल विद इन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अगर इस टाइप का मूवमेंट लग गया, गवर्नमेंट जब चाहे हमारे मूवमेंट को रोक सकती है, जैसा कि आज वो कर रही है, राइट? दीज आर वेरी ऑडिबल, वेरी प्लॉजिबल एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 19(1)(d). तो हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कस्ड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कर्फ्यू, क्वारंटाइन, हमने रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन को भी देख लिया है, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट विच एरियाज वेर अ पर्सन कैन नॉट डू, वी हैव स्पोकन अबाउट टोल गेट्स, we have spoken about the most important thing, the doctrine of harmonious construction. So now hum bade acche se ye bol sakte hain ki article 19(1)(d) ke reasonable grounds of restriction mein aata hai article 19 sub clause 5, yes? Okay. ab hum deal karenge article 19(1)(e) ke sath. आर्टिकल 19(1)(e) जो है इसका रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 में। अब आप बोलेंगे मैडम व्हाट इज दिस, दिस इज आर्टिकल, दिस इज द फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, हमें ये आर्टिकल ये ऑप्शन देता है कि हम जहां चाहे इंडिया में वहां जाकर रह सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैडम इसे और थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, गाइस दिस इज जस्ट ट्रीटेड विद आवर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जैसा हमने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पढ़ा है ना उसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज ई रहता है, इट इज जस्ट लाइक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कि हम कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी जाके रिसाइड करेंगे, इट शुड नॉट फॉल विद इन हम दूसरों के जनरल पब्लिक की इंटरेस्ट को हमें वॉयलेट नहीं करना है, नंबर वन। और नंबर टू जो है हमें किसी भी शेड्यूल्ड एरिया में बिना परमिशन के हमें नहीं जाना, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स, इट इज जस्ट लाइक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट? कि हम इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं बट इट शुड टेक केयर ऑफ अदर पीपल एज वेल, ऑलराइट, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड शेड्यूल्ड एरियाज। देन अब नेक्स्ट आर्टिकल हम करेंगे 1G। अब आप बोलेंगे 19(1)(f) क्यों नहीं किया मैम, 19(1)(f) जो था दैट वाज रिपील्ड, दैट इज द रीजन कि हमने उसे नहीं किया। अब हम आते हैं 19(1)(g) के पास, बट हम 19(1)(g) क्या है, 19(1)(g) जो है इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोसेशन ऑफ प्रोफेशन, हमने क्या बोला है, फ्रीडम राइट टू प्रोफेशन, राइट टू प्रोफेशन में क्या बोलते हैं कि भाई इट इज आर राइट, ये हमारा राइट है कि हम किसी भी प्रोफेशन को कर पाए, कोई भी ऑक्यूपेशन कर पाए, कोई भी ट्रेड कर पाए, कोई भी बिजनेस कर पाए। अब ये सुन के मैं बहुत खुश हो गई, आई बिकेम वेरी वेरी हैप्पी, और खुश होने के बाद मैंने बड़े आराम से सोचा कि अगर बाय द वे मैं समझ लो आई एम फ्रॉम IIT, ठीक है, मैं IIT बॉम्बे से हूँ और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मैं बोलती हूँ कि भाई ये जो दुनिया है ना दैट इज न्यूक्लियर, है ना, ये जो दुनिया है वो अभी न्यूक्लियर की तरफ जा रही है, मैं एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लेता हूँ, मैं एक प्राइवेट न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लेता हूँ और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से मैं सारे लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, आई विल गिव एनर्जी, आई विल गिव इलेक्ट्रिसिटी टू एवरीवन। यहाँ पे गवर्नमेंट मेरे पास आएगी बोलेगी नहीं भाई ऐसा नहीं है, द राइट टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी जो है इट इज ओनली विद द स्टेट, तो मैं तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी,
आई विल से कि सर मेरा 19 मंथ ही तो चला गया, आई वॉन्ट टू ओन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, मेरा न्यूक्लियर पावर प्लांट गवर्नमेंट मुझे क्यों रोक रहा है। नंबर वन ये एक सिनारियो ले लो। नंबर टू सिनारियो आप ये ले लो, क्या आप बोलोगे, मैडम आई वॉन्ट टू बी अ ड्रगिस्ट, मैं एक आई वॉन्ट टू बी अ ड्रग पेडलर, मैं ड्रग्स बेचना चाहता हूँ। मैं बोलूंगी किस टाइप का ड्रग, आप बोलेंगे अरे वही हीरोइन गांजा अफीम चरस। मैं बोलूंगी भाई ये तो आपको अलाउ नहीं है। फिर मैं नंबर थ्री बोलूंगी सर आई वॉन्ट टू बिकम अ टेररिस्ट, मैं टेररिस्ट बनना चाहती हूँ, मेरा राइट है, आई वॉन्ट टू बिकम अ टेररिस्ट, मैं चाहती हूँ कि मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करूँ टू बिकम फ्यूचर पीपल टू द ISIS ग्रुप्स, इज दैट अलाउड, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो आप बोलेंगे मैडम ये दोनों को आप किस कैटेगरी में डालते हो, सो दीज टू आर पुट इन टू द कैटेगरी, दीज टू आर पुट इन टू द कैटेगरी ऑफ इलीगल एंड इमोरल, कि भाई आप इमोरल काम कर रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो, आप किसी और का आप टेररिज्म कर रहे हो, आप लोगों को ड्रग्स दे रहे हो, यू आर डूइंग एन इमोरल जॉब। अब आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर तो आपको कुछ गलत नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि इस बंदे के पास क्वालिफिकेशन है, यस ही इज क्वालिफाइड, IIT बॉम्बे में हूँ मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ, मगर स्टेट ने मुझे फिर भी बोल दिया नो। इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन ये है कि इंडिया में देर आर सर्टेन बिजनेसेस, राइट, देर आर सर्टेन ट्रेड्स जिसके ऊपर मोनोपोली रहता है हमारे गवर्नमेंट का। मैंने क्या वर्ड यूज किया है, मोनोपोली, मतलब इन ग्राउंड्स पे सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही फंक्शन कर सकता है। तो आप बोलेंगे मैडम ये पावर इन्हें दिया किसने था, देखिए 1950 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला था कि भाई जो भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस रहेगा, ठीक है, एनी ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस, दिस केस वॉज, आई विल जस्ट टेल यू द नेम ऑफ द केस, क्या हुआ था 1950 में, देयर वॉज अ मोटर व्हीकल्स केस, ठीक है, इसमें ये बोला गया था कि भाई स्टेट जो है वो जितना भी यू नो बसेस वगैरह चलते हैं रास्ते में, जितने भी बसेस वगैरह रास्ते में चलते हैं उन सारों का जो मोनोपोली है वो रहेगा स्टेट के पास। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरा एक प्राइवेट बिजनेस था, राइट, आर्टिकल 19(1)G आ गया। अब कुछ ऐसे लोग थे जो इंडिपेंडेंस के पहले ही अपना प्राइवेट यू नो बसेस वगैरह चला रहे थे, लेकिन जब आर्टिकल 19(1)G आया कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर बोल दिया गया कि स्टेट को किसी किसी चीज़ों का मोनोपोली है ना। तो मैं चली गई सुप्रीम कोर्ट में, मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि सर स्टेट इन चीज़ों पे मोनोपोली कैसे कर सकता है, ये तो मेरा राइट टू प्रोफेशन छीना जा रहा है, माय आर्टिकल 19(1)G इज बीइंग वायोलेटेड अब्रिज्ड एंड कॉन्ट्रावीन्ड, मेरे पास मेरा नौकरी ही मुझसे छीन लिया जा रहा है। दिस केस वॉज नोन एज द भीकाजी नारायण वॉज ए स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस, वॉट इज इट नोन एज, द भीकाजी नारायण वॉज ए स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस। अब इस केस में क्या हुआ था, सो 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई चलो मैं आपका जो मैं जो ये कर रहा हूँ आई विल गिव इट टू यू, राइट, हमने बोला कि भाई हम ठीक है ऐसा कर देंगे ना। लेट अस सी हुआ क्या था एग्जैक्टली, सी द CPK बरार, देयर वाज अ एक्ट व्हिच वाज पास्ड इन 1947, क्या था CPK बरार, मोटर व्हीकल्स एक्ट, ठीक है, मोटर व्हीकल्स एक्ट जो पास हुआ था 1947 में, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसे पास करके बोला था कि स्टेट को जो है ना मोनोपोली है over all the transport businesses in the country. Now what happened? 1950 में हमें मिल गया Article 19(1)G. हमें क्या मिल गया? Article 19(1)G. Article 1G में हमें क्या बोला गया कि आपको right to profession है. Now what happened is सारे के सारे लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और सारे के सारों ने बोला कि सर ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो है वो तो मेरा बिजनेस था, वो तो स्टेट की वजह से मेरा बिजनेस चला गया, दिस इज अ वायलेशन अब्रिशन एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ माय एक्ट, राइट, और ये जो आपने जितने भी चीजें बोली हैं वट एवर यू हैव प्लेस्ड इन द रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन वो तो यहाँ पर मैंशन किया हुआ नहीं है, तो सर मेरा ये मोनोपोली गवर्नमेंट कैसे मेंटेन कर सकता है। गाइस अगर आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत फंडामेंटल एरर है। देखो हमारे पास आर्टिकल 19(1)G कब आया था, दिस केम इन द ईयर 1950, यस, अब गवर्नमेंट ने 1947 में बुलाया था। अब गवर्नमेंट को क्या पता था यार कि 1950 में एक एक्ट आएगा और ये जो एक्ट आएगा
वो हमारा राइट ले लेगा, गवर्नमेंट को तो नहीं पता था, तो गवर्नमेंट वॉज नॉट एट फॉल्ट। तो यहाँ पर ये बोला गया कि सर आपने जो ये एक्सेप्शन बनाया है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पूरी तरीके से इस फंडामेंटल राइट को हटा दे, किसी को भी राइट टू प्रोफेशन ही अपना दे। सो देयर इज वन केस दैट यू कैन डू इज यू रिमूव दैट फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट जो है ये बहुत मिसलीडिंग है, राइट, बहुत सारे केसेस क्रिएट करेगा। या तो एक काम करो, आप इस फंडामेंटल राइट में एक एक्सेप्शन ले आओ, आप इस फंडामेंटल राइट में एक एक्सेप्शन ले आओ कि ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है वो सबकी तरफ चला जाएगा, राइट। आप एक एक्सेप्शन ले आओ कि भाई गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट बिजनेस पे ही अपना मोनोपोली रख सकती है, ट्रांसपोर्ट क्या न्यूक्लियर पे भी रख सकती है, बहुत चीजों पे रख सकती है। आप ये एक्सेप्शन लिख दो ताकि इंडिविजुअल जो है वो मिसलीड ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एब्सोल्युटली करेक्ट, ये जो बात आपने बोली है वो तो 100% की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस एक्सेप्शन को ले आए, एंड इस एक्सेप्शन में उन्होंने बोला कि स्टेट जो है वो बहुत सारे बिजनेसेस पे मोनोपोली कर सकती है। ये मोनोपोली वो इसलिए कर रही है बिकॉज इट इज ऑफ द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसा कोई केस आता है फ्यूचर में हमारे पास, जैसा कि ये भीकाजी नारायण केस आया है, राइट, जैसा हमारे पास भीकाजी नारायण केस आया है, तो इस केस में हम इस फंडामेंटल राइट को, राइट, हम इस फंडामेंटल राइट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे, वी विल नॉट डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड। तो हमने बोला सर आप तब क्या करोगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक बात समझो, ये तो एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था ना, दिस वॉज मेड बिफोर 1950 से पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना था, तो दिस इज अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और अगर ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, पार्लियामेंट की भी तो कोई गलती नहीं है ना, तो वॉट आई विल डू हियर इज आई विल अप्लाई वॉट इज नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। I will apply what is known as the doctrine of eclipse. मैं बोलती हूँ सर doctrine of eclipse क्या है? तो यहाँ पर Supreme Court बहुत अच्छे से इसका meaning समझाता है। Supreme Court बोलता है कि देखो हमारे पास एक law था, right? ये जो law था हमारे पास, say the 1947 CPK बेरा motor vehicle act, right? जिसने state को monopoly दिया था। उस law को तो ये पता नहीं था ना कि 1950s में एक चिड़िया आएगी और ये जो चिड़िया, ये जो फंडामेंटल राइट्स की चिड़िया आएगी वो मेरे पावर को लिमिट करने की कोशिश करूंगी। तो ये जो है ये तो धूप की तरह अच्छे से चमकता जा रहा है, इट इज शाइनिंग लाइक द सन, ये सुनो। अब क्या होता है, 1950 में फंडामेंटल राइट्स आ जाता है, और फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, एक मेजर पोर्शन ऑफ, ये जो मेजर पोर्शन आप देख रहे हो, इस पोर्शन ऑफ द एक्ट पे कहीं ना कहीं एक तरह का ग्रहण लगा देता है, राइट, एक तरह का ग्रहण लगा देता है, सच दैट गवर्नमेंट आराम से कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे पहले क्या था कि गवर्नमेंट आराम से पूरा चमक रही थी, गवर्नमेंट सारी चीजों पे मोनोपोली ले रही थी एज पर द 1947 CPK मोटर व्हीकल एक्ट। मगर जब ये वाला एक्ट निकल आया, गवर्नमेंट के पावर्स को कहीं ना कहीं कर्ब कर दिया गया, यस और नो? सो द पावर ऑफ द गवर्नमेंट वॉज समवॉट कर्टेल्ड बाय दिस एक्ट। दिस इज नोन एज The doctrine of eclipse. तो इससे क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट के पास कोई भी जॉब को मोनोपोली कहने का राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट से कि भाई ये जो उनका ट्रांसपोर्ट मोनोपोली है वो गलत है। उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो नया लॉ आया है इसने कहीं ना कहीं, ये जो नया फंडामेंटल राइट आया है इसने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पावर्स को कर्टेल कर दिया है। इट हैज क्रिएटेड अ शेडो ऑन द ओरिजिनल एक्ट। सो अब तो क्या है कि एक्ट नहीं हटाया गया है, एक्ट को हमने कर दिया है डोरमेंट। एक्ट को एक्टिवेट करने के लिए या तो हमें कोई एक्सेप्शन लाना है या तो हमें फंडामेंटल राइट हटाना है। मगर एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट को भी पावर दिया जा रहा है और स्टेट को भी एम्पल ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि जो वो आराम से सारी चीजों को नोटिस कर पाए, राइट। सो दिस वॉज आर्टिकल 19 टू यू। तो हमने आर्टिकल 19 में बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है। वी हैव डिस्कस्ड आर्टिकल 19A, 19B, 19C, 19D, 19(1)E, yes, and we have discussed 19(1)G. अब ये सारी चीजें हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर ली है। अब हम जाएंगे आर्टिकल 21 के ऊपर। टुडे वी विल स्टार्ट विद आर्टिकल 21 बिफोर वी डू आर्टिकल 20। चलिए इसे एक बार अच्छे से हम रीड कर लेते हैं। अब देखिए आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है। सो आर्टिकल 21 रीड्स द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द
द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म गाइस, प्रोसीडियर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. मैंने फिर रीड करना है इसे. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीडियर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. गाइस ये जो आर्टिकल 21 है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में इतनी बार यूज किया गया है एंड देयर इज नॉट वन लॉयर जो जिसने इस आर्टिकल को यूज नहीं किया है. कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना तो सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे, सुप्रीम कोर्ट की हर एक ईंट जो है ना उसमें ये आर्टिकल यू नो अच्छी तरीके से छपा हुआ है. इसीलिए हम अक्सर ये भी बोलते हैं दैट दिस आर्टिकल इज नोन एज द बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मैंने क्या बोला? बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. चलिए अब मैं अच्छे से आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आराम से इस एग्जाम्पल को देखना. यहाँ पर सी देयर इज अ पर्सन. ये जो आर्टिकल है ये किसी सिटीजन या फॉरेनर के ऊपर नहीं है. इट इज ऑन ऑल पर्सन्स. मैंने क्या बोला है? ऑल पर्सन्स. एनी पर्सन, आप फॉरेनर हो, आप इंडियन सिटीजन हो, आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, है ना, आप NRI हो, आप कोई भी इंडिविजुअल हो, जो इंडिविजुअल अभी इंडिया के सॉइल पर है उसके ऊपर आर्टिकल 21 लगता है. तो चलिए अब मैं आपको एक अच्छा सा प्रोसीडियर बताती हूँ, आराम से इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करिएगा. सो देयर इज अ पर्सन, समझ लीजिए एक इंडिविजुअल है, राइट. देयर इज दिस पर्सन और इस पर्सन को मैं नाम दे देती हूँ एक्स, राइट. पर्सन एक्स है. पर्सन एक्स ने क्या किया है? एक क्राइम किया है, समझ लो उन्होंने क्राइम किया है. एंड से ही हैज मर्डर्ड समवन. मैं एक एग्जांपल दे दे रही हूँ कि उसने किसी का मर्डर किया है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब इनके खिलाफ एक FIR दर्ज होगा. समझ लीजिए जिन्हें उन्होंने मर्डर किया है उनके घर वालों ने इनके खिलाफ एक FIR किया है. व्हाट इज एन FIR? एन FIR इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. पुलिस इसे दर्ज करेगी एंड हेंस फॉरवर्ड एक्स को बोला जाएगा अक्यूज्ड. व्हाट विल वी कॉल एक्स? हम एक्स को बोलेंगे अक्यूज्ड. जब एक्स के खिलाफ ये FIR होगा, ये चली जब पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी. पुलिस विल डू इन्वेस्टिगेशन. इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस चेक करेगी कि पर्सन एक्स मर्डर के वक्त कहाँ था. उसके फोन रिकॉर्ड्स को देखेगी. वो जहाँ पर, अगर उसने कहा कि समझ लो वो एक पार्टी में था, तो उस पार्टी का CCTV फुटेज देखा जाएगा या उन पार्टी के गेस्ट से पूछा जाएगा कि आप ही बता दो कि वो इंडिविजुअल कहाँ पर है, राइट. वो इंडिविजुअल कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी. अब इसके बाद क्या होता है, अगर बाय द वे ऐसा लगता है इन्वेस्टिगेशन से कि हाँ भाई ये जो इंडिविजुअल है इसने ही हैज कमिटेड द मर्डर, पुलिस को ऐसा फील होता है, पुलिस क्या करेगी? पुलिस इस पर्सन को कर लेगी अरेस्ट. पुलिस विल अरेस्ट दिस पर्सन. अरेस्ट करते वक्त वो इस इंडिविजुअल को बताएगी कि भाई देखो मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुमने से एक इंसान का मर्डर किया था, राइट. मैं तुम्हें मर्डर करने के लिए अरेस्ट कर रहा हूँ. हमें पता चला है कि इस रात को तुम यहाँ पर और तुमने इस इंडिविजुअल को मर्डर किया है. इसके बाद पुलिस इनके नियर एंड डियर वंस को कॉल करेगी. किसको करेगी? नियर एंड डियर वंस, समझ लीजिए पर्सन एक्स की वाइफ को, पर्सन एक्स की मम्मी को, पर्सन एक्स की बहन को, भाई को, किसी को भी, फ्रेंड्स को, जिसे भी वो जानती है. सो ऑल नियर एंड डियर वंस को इन्फॉर्म करेगी कि भाई आपका ये जो इंडिविजुअल है इसे हमने अरेस्ट किया है ऑन द ग्राउंड ऑफ मर्डर. अगर ये जो गुनाह उन्होंने किया होगा वो बेलेबल होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन इन्हें दे दी जाएगी कि भाई देखो ये जो उन्होंने गुनाह किया है, ये जो उन्होंने क्राइम किया है, इट इज अ बेलेबल ऑफेंस, इन्हें आप बेल करवा लो. तो ये नियर एंड डियर वंस क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे, उन्हें बोलेंगे कि भाई हमें बेल करना है, मगर इन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये जो ग्राउंड है ये बेलेबल है, आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो ये लोग क्या होगा, इफ इट इज अ बेलेबल ऑफेंस, इन्फॉर्मेशन की वजह से ये लोग जाएंगे करवा लेंगे बेल. दे विल गो एंड गेट बेल डन. तो अब क्या होता है, अब जब इतने दिनों तक, अब इसके बाद जैसे ही ये अरेस्ट होता है, सुनिएगा मेरी बात को, जैसे ही ये अरेस्ट होंगे ना उसी वक्त से एक घड़ी चालू हो जाएगी, अ क्लॉक विल स्टार्ट. और ये क्लॉक जो है वो 24 आवर क्लॉक होगा एंड इट विल बी सेड कि इस किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट करते ही 24 घंटों के अंदर आप उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट करोगे. इन 24 घंटों में ये इंडिविजुअल जब पुलिस के पास रहेगा, पुलिस इसे किसी तरीके से थ्रेटन नहीं करेगी, राइट. किसी तरीके से थ्रेटन नहीं करेगी, किसी तरीके से टॉर्चर नहीं करेगी. बेल अगर होगा तो वो उसे बेल कर देगी. यस, तो ये प्रोसेस होता है एक इसका. अब आप समझ लीजिए, जब एक इंडिविजुअल को, यहाँ पर अगर मैं बोलती हूँ कि इसे अरेस्ट किया गया, यस, इफ आई से दैट दिस पर्सन हैज बीन अरेस्टेड,
गाइस, ये जो अरेस्ट है, कहीं ना कहीं एक इंसान को जब आप जेल में बंद करते हो, यू आर टेकिंग अवे हिज पर्सनल लिबर्टी, यस और नो? आप उनका पर्सनल लिबर्टी ले ले रहे हैं, यस? ये इंडिविजुअल तो ये बोल सकता है ना कि मेरा पर्सनल लिबर्टी ले जाया जा रहा है मुझे अरेस्ट करके, है ना? अब सुनिएगा, अब पुलिस जब काम करती है वो दो तरीके से करेगी। एक क्या होता है, ही द पुलिस कैन डू इट इन टू वेज। एक, दे कैन फॉलो व्हाट इज नोन एज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है ना, दिस इज नथिंग एल्स बट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यस, अगर बाय द वे पुलिस ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो किया है, उनका ये जो अरेस्ट है ये कहा जाएगा कि लीगल है एंड इट विल नॉट बी वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, एंड 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। यस, 24 आवर्स के अंदर इसे कोर्ट में प्रेजेंट करो। अगर पुलिस ने एक इंच भी, इवन 1 इंच, अगर वो इस पूरे प्रोसेस से हटती है, इट इज वॉयलेटिंग एनीवन्स आर्टिकल 21, इट इज नॉट फॉलोइंग प्रोसीडियर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दिस विल रिजल्ट इन व्हाट इज नोन एज आर्बिट्री अरेस्ट एंड पुलिस के खिलाफ अप लागू हो जाएगी। इट विल बी सेड कि स्टेट ने, राइट, आर्टिकल 22 यानी कि राइट अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट जो है उसे ट्रिगर कर देगा। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर बाय द वे पुलिस जो है इट विल नॉट फॉलो प्रोसीडियर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इट विल रिजल्ट इन दिस अरेस्ट बीइंग टर्म्ड एज एन आर्बिट्री अरेस्ट। और अगर इस टर्म को हम आर्बिट्री अरेस्ट का नाम दे देंगे, इट विल रिजल्ट इन द ट्रिगरिंग ऑफ आर्टिकल, इन द वायलेशन, अब्रिजन एंड कॉन्ट्रवेंशन ऑफ आर्टिकल 22, विच स्टेट दैट देयर इज प्रोटेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट। लेकिन अगर पुलिस ने प्रोसीडियर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को पिन बाय पिन फॉलो किया है, ये अरेस्ट जो है वो लीगल मानी जाएगी और इस 24 आवर्स के अंदर ये पर्सन जो है कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जाएगा। वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, जब पर्सन एक्स को कोर्ट में दिया जाएगा, राइट, पर्सन एक्स को आप कोर्ट में डालते हो, कोर्ट उन्हें बताएगी कि देखो ये जो तुमने ऑफेंस किया है, नंबर 1, वो बेलेबल है या नहीं, इज इट बेलेबल, इज इट नॉट बेलेबल। अगर बेलेबल है तो तुम्हें ये प्रोसेस फॉलो करना होगा, तुम्हें बेल मिल जाएगा। पर्सन एक्स को बोला जाएगा कि तुम्हारे पास राइट टू लॉयर है, तुम्हें लॉयर का पूरा राइट हम देते हैं, वी आर गिविंग यू कंप्लीट राइट अगेंस्ट द लॉयर। एंड नंबर 3 बोला जाएगा कि भाई तुम बताओ, विल यू प्लीड गिल्टी, क्या तुम्हारे खिलाफ लगे हुए चार्जेस को तुम मानते हो, या आर यू सेइंग कि आप इनोसेंट हो, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, आपको गलती से फंसाया गया है, राइट? ये अच्छी सी चीजें होंगी। ये होने के बाद पर्सन एक कोर्ट में होगा एक ट्रायल, मैंने क्या बोला, देयर विल बी अ कोर्ट ट्रायल, और इस ट्रायल में देयर विल बी 2 आउटकम्स। ट्रायल होगा, यू नो, दोनों पक्ष एक दूसरे को जवाब देंगी, देयर विल पुलिस आके एक बात बोलेगा, देन देयर विल बी ये इंसान का जो लॉयर होगा वो एक बात बोलेगा, ट्रायल होगा, एक फेयर ट्रायल होगा, राइट? एंड देयर विल बी 2 आउटकम्स ऑफ दिस। क्या 2 आउटकम होगा? एक ये होगा कि उस इंडिविजुअल को मिल गया कन्विक्शन, यानी बोला गया यस यू आर गिल्टी एज चार्ज्ड, तुमने जो जो तुम्हारे खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं उस हिसाब से तुमने इसे किया है, एंड वी विल कन्विक्ट यू। या उसे बोला जाएगा नहीं नहीं तुम एकदम फ्री हो, तुमने कोई पाप नहीं किया, गो योर फ्री। अगर फ्री हो गया तो ठीक, लेकिन अगर कन्विक्शन हुआ है और कोर्ट ने ये पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, दैट विल रिजल्ट इन व्हाट इज नोन एज आर्बिट्री कन्विक्शन। जो मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, आर्बिट्री कन्विक्शन, आप किसी को बेकार में सजा दे रहे हो। अगर कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दिया, इफ बेल कुड हैव बीन ग्रांटेड, अगर कोर्ट ने उन्हें लॉयर नहीं दिया तो एक प्रॉब्लम, अगर कोर्ट ने उनका साइड ऑफ द स्टोरी नहीं सुना, दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अगर कोर्ट ने इसे फॉलो नहीं किया, दिस मींस कोर्ट विल बी वॉयलेटिंग व्हाट इज नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ, कोर्ट विल बी टेकिंग अवे दिस पर्सन्स प्रोसीडियर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और कोर्ट अगर प्रोसीडियर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो नहीं कर देता है, दिस कन्विक्शन विल बी नोन एज आर्बिट्री कन्विक्शन। और आर्बिट्री कन्विक्शन को बचाने के लिए हमारे पास सामने आ जाता है आर्टिकल 20,
आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि किसी को भी आर्बिट्री कन्विक्शन हम नहीं होने देंगे। सो कैन आई नॉट से दिस वेरी सेफली कि ये जो हमारा आर्टिकल 21 है विच इज टॉकिंग अबाउट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी राइट एंड प्रोसीडियर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ दैट इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 22 which deals with arbitrary conviction, arbitrary arrest and article 20 which deals with arbitrary conviction right procedure established by law yahan par jo hai it is a very 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 important word all right चलिए अब हम आगे करते हैं। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को एब्सोल्युटली क्लियर होगा। चलिए अब हम आगे करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 20 जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इस प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। फर्स्ट लाइन जो आपको याद करना है इज दैट आर्टिकल 20 जो है इट इज टॉकिंग अबाउट कन्विक्शन प्रोटेक्शन फॉर ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ऑलराइट चलिए अब इसे अच्छे से एक बार रीड करते हैं, सुनिएगा मेरी बात। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस except for violation of the law in force at the time of the commission of the act charged as an offense, nor will he be subjected to a penalty greater which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense. चलिए अब हम एक story भी सुनते हैं। देखो इंडिया में 1980s के पहले ना टेररिज्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मैंने क्या बोला कि 1980 के पहले देयर वाज नथिंग कॉल्ड टेररिज्म, मतलब गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि देयर इज एनीवन जो टेररिज्म नाम का कोई चीज भी होता है और कोई टेररिस्ट नाम का इंडिविजुअल भी इस दुनिया में रहता है। नाउ व्हाट हैपेंड इज 1980s, जैसे कि अगर आप देखोगे कि सोवियत यूनियन जब कोलैप्स करता है, कोल्ड वॉर होता है, तालिबान और ऐसे बहुत सारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि एंटी नेशनल होते हैं, कहीं ना कहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये दुनिया में सांप के जैसा अपना फन उठाते हैं। अब जब ये लोग फन उठाते हैं एक नया कॉन्सेप्ट आता है टेररिज्म का, मगर जब टेररिज्म कभी था ही नहीं तो डू यू थिंक कि इंडिया में इसके पहले 1980s के पहले कभी एंटी टेरर लॉज होंगे? तो 1980 के पहले इंडिया डिड नॉट हैव एनी एंटी टेरर लॉज, हमारे पास कोई एंटी टेरर लॉज थे ही नहीं राइट। तो अब हम एक टेररिस्ट को कैसे ट्रीट करते, समझ लीजिए अगर उस वक्त इंडिया पे कोई अटैक होता राइट, कोई टेररिस्ट अटैक होता, तो इस टेररिस्ट को एक उस वक्त का जो पुलिस ऑफिसर है, समझ लीजिए उसने एक पर्सन को अरेस्ट किया है राइट, एक टेररिस्ट को बहुत सारे लोगों को गोली मारते हुए उन्होंने अरेस्ट किया। मगर जब इन पर्सन को उन्होंने अरेस्ट किया उस वक्त टेररिज्म का कोई लॉ ही नहीं था, और टेररिज्म का अगर कोई लॉ ही नहीं था मतलब इस टेररिस्ट ने क्या किया है, इस टेररिस्ट ने मर्डर किया है। Yes. तो उस वक्त का जो पुलिस वाला था उसे पता था कि भाई आईपीसी के सेक्शन 302 के अंदर मैं इस मर्डरर को अरेस्ट कर सकता हूँ, आई कैन अरेस्ट दिस पर्सन अंडर आर्टिकल 302। तो इन्होंने टेररिस्ट को एज अ मर्डरर, यू नो मर्डरर तरीके से उन्होंने पकड़ा और इन्हें सेक्शन 302 के तहत मर्डर के तहत पे इन्हें अरेस्ट कर लिया राइट। अब क्या होता है, कुछ दिनों अरेस्ट कर लेता है, कोर्ट में जाके प्रेजेंट कर देता है, कोर्ट भी इन्हें बोलता है भाई आपके खिलाफ है, आपने सेक्शन 302 किया है, आपको मैं लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट देता हूँ, वी आर गिविंग यू लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट। तो मतलब समझ लीजिए 14-15 साल तक ये इंसान अंदर रहता है, 14-15 साल तक ये इंसान उसके बाद रिलीज कर दिया जाता है, ही इज रिलीज्ड ओके। नाउ व्हाट हैपेंस, 1990s में टेररिज्म बहुत ही ज्यादा फैल जाता है, इंडिया में बन जाता है टाडा, आप लोगों ने सुना होगा, यस टाडा बन जाता है। और टाडा जो रहता है, अगर आपको याद है कि संजय दत्त को अरेस्ट करने में भी टाडा ही लगाया गया था, है ना, टाडा बना दिया जाता है। अब टाडा के अंतर्गत कहा जाता है कि भाई टेररिस्ट का डेफिनेशन क्या है, वो टेररिस्ट को डिफाइन भी कर देता है राइट, टेररिस्ट को डिफाइन करके वो आराम से बोलता है कि भाई टेररिस्ट को डिफाइन भी कर देता है और बोलता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल टेररिस्ट है उसे ना हम इमीडिएटली हैंग करेंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल इमीडिएटली हैंग दिस पर्सन, इसे जीने का कोई हक नहीं है, हम इसे इमीडिएटली हैंग कर देंगे, देयर विल बी नो लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट, यस और नो, ये चीज हो जाता है। अब समझ लीजिए ये इंसान 1995 में रिलीज होता है, समझ लीजिए आई एम गिविंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल,
ये जो इंडिविजुअल है जिसने ये टेररिस्ट का एक्ट किया है, ये 1995 में रिलीज हो जाता है। और ये सेम पुलिस वाला जिसने इसे पहले अरेस्ट किया था, वो टाटा निकलने के बाद इसे देख लेता है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये पुलिस वाला इसे फिर पकड़ के बोल सकता है कि भाई तुमने जो है, तुमने 1980 में टेररिस्ट एक्टिविटी किया था, राइट? तुमने 1980 में टेररिस्ट एक्टिविटी किया था, मैं तुम्हें फिर अरेस्ट करूंगा, आई विल अगेन ट्राई यू अगेंस्ट टाटा। कैन दिस हैपन? ऑब्वियसली दिस कैन नॉट हैपन। व्हाई? बिकॉज हम क्या बोल रहे हैं कि नोबडी कैन बी पनिश ट्वाइस, देयर कैन बी नथिंग नोन एज डबल जियोपडी। डबल जियोपडी नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला, एक ही क्राइम के लिए एक इंडिविजुअल को दो बार अरेस्ट नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाती हूँ। समझ लो देयर इज अनदर इंडिविजुअल, हाँ, राम नाम है इसका, रामू जी नाम है। अब रामू जी क्या करते हैं, एक जगह पे काम करते हैं और अपने मालिक के घर पे उन्हें बहुत अच्छा सोने का सेट दिखता है। ही फाइंड्स अ वेरी ब्यूटीफुल सोने का नेकलेस। वो क्या करते हैं, सोने के नेकलेस को चोरी कर लेते हैं। चोरी कर लेते हैं, पकड़ा जाते हैं, पकड़ाने के बाद फिर अरेस्ट हो जाते हैं, राइट? कन्विक्ट हो जाते हैं, 2 सालों तक उन्हें जेल में बंद रखा जाता है। 2 सालों बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाती है कि चलो कोई नहीं, चोरी हो गई, तुमने गलती कर दी, तुम्हें सजा दे दी लॉ ने, तुम्हें हमने माफ कर दिया। फिर ये बाहर निकलते हैं, समझ लीजिए ये 2010 में करते हैं, राइट? 2010 से 2012 तक ये जेल में बंद रहते हैं। अब क्या होता है, रामू जी अपनी आदत से बाज नहीं आते, वो फिर एक बार चोरी कर लेते हैं। उन्हें इस बार एक डायमंड ब्रेसलेट दिखता है, वो बोलते हैं मैं एक डायमंड ब्रेसलेट चोरी कर लूंगा, ठीक है। फिर अरेस्ट हो जाते हैं, फिर 2 सालों तक बंद रहते हैं। फिर इन्हें 2015 में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। 2013 से लेकर 2015 तक वो अपना सेकेंड टेन्योर निभाते हैं। अब 2016 में इन्हें चोरी में मजा आने लगता है, ये बोलते चल एक बार और कर लेते हैं। अरे मगर फिर ये पकड़ा जाते हैं, इतने बेवकूफ है, फिर पकड़ा जाते हैं, फिर अरेस्ट होते हैं, फिर 2 साल। तो गाइस आपको ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने जितना क्राइम किया था उस क्राइम का इन्हें सजा मिल गया है? कहीं ना कहीं ये जो क्राइम का हमारा क्रेडिट डेबिट अकाउंट था वो पूरा हो गया है। यस और नो? क्रेडिट डेबिट अकाउंट पूरा पूरा हो गया है कि नहीं? अब आप एक बात समझो, एक एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप ले लेते हो कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में ना एक लॉ आया था, ठीक है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। सो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस दैट देयर विल बी नो डबल जियोपडी। मैडम थोड़ा समझा दीजिए, नो डबल जियोपडी क्या है? देखो भाई, एक टेररिस्ट ने, राइट, मैं ये जो इंडिविजुअल है, इन्होंने क्या किया है, अपना क्राइम किया है, क्राइम करके उन्होंने अपना सारा का सारा अपना क्रेडिट डेबिट बैलेंस को जीरो कर दिया है। अब उन्हें ना लॉ को इन्हें कुछ देना है, ना इन्हें लॉ से कुछ लेना है, यानी कि ना इन्हें अरेस्ट होना है, ना इन्हें छुट्टी चाहिए। तो ये कम्प्लीटली फ्री इंडिविजुअल है। मगर यू नो इंडिया में ये चीज पहले हो चुकी है। आप बोलते हैं मैडम ऐसा कहाँ होता है? अब समझ लो व्हाट हैपेंस इज, मेरा गवर्नमेंट क्या करेगा, एक लॉ पास करेगा और इस लॉ में वो बोलेगा कि जो इंडिविजुअल है जो पहले 3 बार अरेस्ट हो चुके हैं मैं उसे फिर 5 सालों तक बंद रखूंगा। आई विल गिव दैम दैट पर्सन अनदर 5 ईयर, आई विल गिव दैट पर्सन अनदर 5 ईयर चार्ज। अब बोलेंगे मैडम ऐसा कहाँ होता है यार कि मतलब 3 बार में पिछले 10 साल में अरेस्ट हुआ तो मुझे फिर 5 साल तक करना होगा। भाई यहाँ तो रामू जी 5 सालों तक अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो उन्होंने अपने गुनाह की सजा काट ली है। तो इस इंडिविजुअल को ऐसा थोड़ी ना होता है, हमने तो कभी नहीं सुना। बट गाइज ये इंडिया है और इंडिया में ऐसा होता है, हो चुका है। मैडम कब हुआ था? Let me give you this example. ये हुआ था in the Makoka Act. मेरा बात सुनिएगा। Makoka Act पास किया गया था। मैं Makoka का full form क्या है? The Maharashtra Control of Organized Crime Act. मैंने क्या बोला? Maharashtra Control of Organized Crime Act. इस Act में Government of Maharashtra ने कहा था कि any person जो कि लास्ट 10 ईयर्स में, मैंने क्या बोला, जो एनी इंडिविजुअल जो लास्ट 10 ईयर्स में 3 बार से ज्यादा अरेस्ट हुआ है, उस इंडिविजुअल को हम और आई विल गिव दैट पर्सन अनदर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स। मतलब 10 सालों में अगर आप 3 बार अरेस्ट हुए हो फॉर एनी क्राइम, कोई भी आपने क्राइम किया है, तो हम आपको फिर से अरेस्ट करेंगे। Guys, don't you realize कि एक इंडिविजुअल जिसने 3 बार चोरी की, उसे 3 बार सजा मिल गई और उसे फिर बोला जा रहा है कि तुम्हें और 10 सालों का सजा मिलेगा, because government has taken this out. This is
दिस इज समवेयर डाउन द लाइन वायलेटिंग अ पर्सन फंडामेंटल राइट, यस और नो? तो इंडिया में फॉलो होता है व्हाट वी कॉल ऑट्रिफॉय कॉन्विक्ट. व्हाट डिड आई से? ऑट्रिफॉय कॉन्विक्ट. यू अ पर्सन कन्विक्टेड वंस कैन नॉट बी कन्विक्टेड अगेन. क्या मतलब कि एक क्राइम अगर आपने किया है उस सेम क्राइम के लिए आपको दो बार अरेस्ट नहीं किया जाएगा. दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ नो डबल जियोपर्डी इन इंडिया. मैंने क्या बोला? नो डबल जियोपर्डी. ओके मैम, यानी कि मैंने अगर एक बार एक क्राइम कर लिया है, मेरा क्रेडिट डेबिट अकाउंट जीरो हो गया है. अगर मेरा क्रेडिट डेबिट अकाउंट जीरो हो गया है, मुझे गवर्नमेंट जो है वो दोबारा अरेस्ट नहीं कर सकती. ऑल राइट मैम. मैम आप इसे ये कहाँ लिखा हुआ है? जस्ट रीड दिस आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2. नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. नो डबल जियोपर्डी. मैंने क्या बोला? नो डबल जियोपर्डी. मैम आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 आपने समझाया ही नहीं, आप समझा देते हैं, आराम से सुनिए. देखिए समझ लीजिए, आप लोगों ने निर्भया के बारे सुना होगा, राइट? यू पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट द निर्भया केस, द दिल्ली रेप केस, निर्भया केस. यार जब ये निर्भया केस हुआ था ना, जो पूरी दुनिया है ना, तो पूरा दिल्ली, इनफैक्ट पूरा इंडिया, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था. सम पीपल यूज टू से ये जो निर्भया के जो यू नो क्रिमिनल्स है, इन लोगों को हमें हैंग कर देना चाहिए. कुछ लोग बोलते थे ना, इन्हें पत्थर मारकर मारना चाहिए, राइट? हमें इन्हें पत्थर फेंक फेंक के मारना चाहिए. वी शुड हैंग टेक आउट देयर गट्स. इनका ना सर्जिकली इन्हें इम्पोर्टेंट कर देना चाहिए. बहुत सारे लोगों ने इस टाइप की चीजें बोली थी कि सर्जिकल इनके ऊपर ऐसा कर दो ना कि ये लोग जिंदगी भर लूले लंगड़े रहे. बहुत सारे लोगों ने ना पत्थर फेंक फेंक के मारो. कुछ लोगों ने कहा कि भाई इन्हें ना धीरे धीरे, गिव देम स्लो पॉइजनिंग, स्लो पॉइजन कर करके तड़पा तड़पा के मारो, राइट? बहुत सारे लोगों का ये सोच था. बट गाइज रिसेंटली निर्भया के जितने भी कॉन्विक्ट थे उन्हें सारा ट्रायल दिया गया, यस और नो? हम बोलते भी हैं कि भाई इतना साल पुराना केस, आज जाके उस इंडिविजुअल को आप लोगों ने मारा है, क्यों? इट इज बिकॉज दे वर फॉलोइंग व्हाट इज नोन एज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. और उस वक्त जो था उन्हें क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैपिटल पनिशमेंट क्या है? व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट? कैपिटल पनिशमेंट तो यही है ना, दैट यू हैंग अ पर्सन बाय नेक टिल डेथ. यस और नो? यू हैंग अ पर्सन बाय नेक टिल डेथ, है ना? ये चीज आराम से बोल दिया जाता है. तो यहाँ पर अगर आप लोगों को याद है, निर्भया के जितने भी लोग थे, धीरे वो हैंग टिल डेथ, तो उन्हें कोई एक्स्ट्रा पनिशमेंट नहीं दिया गया. कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा था उतना ही पनिशमेंट उन्हें दिया गया. ऐसा भी नहीं था कि उस इंडिविजुअल को ज्यादा कुछ किया गया. तो अब इसे रीड करिए, दैट अ पर्सन, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड एक्सेप्ट फॉर वायलेशन इन लॉ. ठीक है, अब और एक चीज, अब एक और एग्जाम्पल ले लो. यहाँ पे ये टाटा का एग्जाम्पल. यहाँ पर टेररिस्ट को, इस पुलिस वाले ने टेररिस्ट को फिर 1990 में देखा. क्या आपको लगता है क्या पुलिस इसे दोबारा अरेस्ट कर सकती है? नहीं ना, ये तो नहीं बोल सकती. उस वक्त टाटा का लॉ नहीं था, अब टाटा का लॉ है, अब मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा, राइट? सो पुलिस कैन नॉट डू दिस ऑल्सो. मैडम ये कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम. तो उस वक्त क्या था कि टाटा का लॉ नहीं था, मर्डरर का लॉ था. तो ही वॉज कन्विक्टेड लाइक अ मर्डरर, यस और नो? और टाटा का लॉ लग गया, उसके बाद आओ टेररिज्म करो तो तुम्हें टाटा से हम पकड़ेंगे, है ना? नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस. मतलब जब उसने, जब निर्भया वालों ने, व्हेन दे रेप्ड, व्हेन दे मर्डर्ड, उस वक्त में कैपिटल पनिशमेंट जो था, या मैक्सिमम पनिशमेंट जो लॉ देता है किसी भी पर्सन को, दैट वॉज टू बी हैंग बाय नेक टिल डेथ. इसीलिए गाइज, इसीलिए निर्भया वालों को भी मैक्सिमम सजा जो हम दे सकते थे ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, वो था टू बी हैंग बाय नेक. सेक्शन 302 लगाकर उन्हें हम हैंग बाय नेक टिल डेथ कर सकते थे. एग्जैक्टली वही चीज किया गया. सो आई होप आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा. चलिए अब हम आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 को देखते हैं. नो पर्सन शैल बी अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस और शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. मैं इसे बड़ा सेफली ये भी बोल सकती हूँ ना, दैट दिस इज सेइंग दैट देयर शैल बी नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. यस, मैं ये भी तो बोल सकती हूँ ना कि ये भाई नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात हो रही है. अब सुनिएगा, आप लोगों ने बॉलीवुड मूवीज देखा होगा, थोड़ा बहुत हॉलीवुड मूवीज, और हॉलीवुड मूवीज में
आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी ये सीन होता है जिसमें पुलिस जो है किसी क्रिमिनल को या किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करती है, तो पुलिस पहले ही आकर उन्हें बोलती है कि भाई इट इज यू नो वी आर गिविंग यू यू कैन यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, एनीथिंग दैट यू विल बी सेड, एनीथिंग दैट यू विल से और डू विल बी यूज अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। और अगर आपको बेल चाहिए आप किसी को बुला लो, ये वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा। गाइस इस वार्निंग को ना बड़े प्यार से बोला जाता है, व्हाट वी कॉल मिरांडा वार्निंग, ठीक है, इसे हम अच्छे से बोलते हैं मिरांडा वार्निंग। और मिरांडा वार्निंग में ये ऑप्शन दिया जाता है सारे इन लोगों को कि भाई आप जब तक जब यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी, इसीलिए जितने भी लोगों को अरेस्ट किया जाता है उन्हें ये ऑप्शन दिया जाता है कि तुम चुप रहो, जब तक तुम्हारा लॉयर नहीं आता है तब तक तुम चुप रहो, अगर तुमने कुछ बोला या किया वो हम तुम्हारे खिलाफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ वी कैन यूज दिस अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, हम आपके खिलाफ इस चीज को कोर्ट ऑफ लॉ में यूज कर सकते हैं, इसीलिए आपको अब जो है चुप रहना है, ये ऑप्शन उन्हें दिया जाता है, राइट। अब सोचिए कि अगर अब एक नॉर्मल सिनेरियो लो, समझ लो अकॉर्डिंग टू प्रोसीडियर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किसी भी कोई भी इंडिविजुअल जो है वो 24 आवर्स तक पुलिस के पास रहेगा। नाउ डू यू रियलाइज जब आपको 24 घंटे तक पुलिस के पास रखा जाएगा पुलिस आपके साथ क्या क्या कर सकती है, पुलिस आपको थ्रेटन कर सकती है ना, आपको ये बोल सकती है कि लो इस पेपर पे साइन करो, राइट, आपको एक पेपर देगी बोलेगी इसमें लिखा हुआ है कि तुमने सारे का सारा क्राइम किया है एंड तुम इस पेपर पे साइन करो, एक्सेप्ट करो कि तुमने गलती की है। हो सकता है आपने ये नहीं भी किया लेकिन पुलिस आपको फोर्स कर रही है, बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज भी आप ऐसा देख रहे होंगे जहां लोगों को जबरदस्ती फोर्स किया जाता है, यस, कि वो गलतियां नहीं भी किया है तो उन्हें फोर्स किया जाता है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, राइट। इस टाइप की चीजें भी हो सकती है, पुलिस कैन फोर्स एन इंडिविजुअल टू गिव अ स्टेटमेंट, इसीलिए अगर आपने कुछ भी कहा है कोर्ट में, अगर आपने पुलिस स्टेशन में कुछ भी कहा है वो चीज कोर्ट्स में एडमिट नहीं होती। आई एम श्योर यू पीपल नो दिस कि पुलिस स्टेशन में अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है दैट इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्यों, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि पुलिस आपके सामने ऐसे गन रख दे और गन रखकर आपको बोले कि भाई बोलो, इट इज योर मिस्टेक, यू हैव डन इट, आपको फोर्स किया जाएगा। लॉ जो है वो बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल जब अपना बयान देगा, राइट, इफ एनी इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जो बयान देगा, उस इंडिविजुअल को प्रॉपर तरीके से ये बोलना होगा कि वो कैसे अफेक्टेड है, दैट इंडिविजुअल विल हैव टू से कि वो किस तरीके से इन्फेक्टेड है, राइट, ही विल बी गिवन द ऑप्शन कि वो अपने आप को बचाए। तो और ये माना जाता है कि अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में हो, राइट, आप कोर्ट में हो, आप वहां जाते हो और आप से आप ये बोलते हो कि हाँ मैंने कुछ नहीं किया, तो क्या आपको ऑब्वियसली उस वक्त इट इज अंडरस्टूड कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई तरह का तनाव नहीं है, आप जो भी बोलोगे वो आपके खिलाफ यूज किया जा सकता है, राइट। इसीलिए पुलिस को बोला हुआ कोई भी चीज नॉर्मली कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, वेरी गुड। अब आप एक बात मुझे बोलेंगे कि मैडम ऐसा भी तो हो सकता है कि से पुलिस जो है वो किसी को पुलिस जो है या कोई भी एनी अदर पर्सन जो इस इंसान के खिलाफ काम कर रही है वो उनके समझ लीजिए नियर एंड डियर वंस को अरेस्ट कर ले, पकड़ लेती है, पकड़ के इस पर्सन को फोर्स करती है कि वो अपने खिलाफ ही गवाही दे। हाँ ऐसा भी होता है, इसी रीजन से कोर्ट्स में क्या बोला हुआ है कि भाई इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप जाकर ये बोल दोगे कि मैं गिल्टी हूं तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट डायरेक्टली आपको आपको सूली पे चढ़ा देगा, कोर्ट बोलेगा पुलिस को कि पुलिस ये तुम्हारा काम है कि तुम मुझे एविडेंस गैदर करके दो, अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, तुम एविडेंस गैदर करके दो और मुझे प्रूफ करो कि ये पर्सन गिल्टी है। सो इट इज द ओनर्स, ये जो मैं बोल रही हूँ ना ओनर्स, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है to prove any individual guilty is there on the police. आप बोलेंगे एक और example दीजिए मैम इस केस का। I'm sure आप लोगों ने अजमल कसाब का नाम सुना होगा। You people must have heard the name of अजमल कसाब, right? 26/11 मुंबई attacks सबको याद होगा। इंडिया में टेररिस्ट अटैक हुआ था और आप लोगों को याद है ऐसे रेलवे स्टेशन पे वो बंदूक वगैरह लेकर जाते हैं और वो सारे लोगों पे फायर करते हैं। आप समझ लीजिए वहां पर एक केस हो रहा है, समझ लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये केस का प्रोसीडिंग हो रहा है। I'm not giving you an example, I'm giving you a live view कि अजमल कसाब के वक्त पे हुआ क्या था। तो कोर्ट में क्या हुआ था, अजमल कसाब का ये वीडियो एक चल रहा था जिसमें क्लियरली ये चीज दिख रहा था कि अजमल कसाब जी जो है ही वॉज फायरिंग ऑन पीपल, एकदम डायरेक्टली दिख रहा है।
मगर जब कोर्ट ने अजमल कसाब से पूछा कि तुमने फायर किया, अजमल कसाब ने डायरेक्टली बोल दिया, ना ना मैं नहीं था वो, आई हैव नॉट फायर्ड, आई डोंट नो ये इंडिविजुअल क्या है। जज साहब भी देख रहे हैं, पुलिस भी देख रहा है, सबको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, मगर ही हैज बीन गिवन द राइट टू लाई। जो ये चीज आप बोलोगे कि भाई अजमल कसाब के पास ये ऑप्शन था कि ही लाइज, तो आप बोलेंगे मैडम मतलब मैं एक कॉन्विक्ट हूँ, क्या मैं मुझे झूठ बोलने का राइट है? यस यू हैव द राइट टू स्पीक लाइज, यू हैव द फुल राइट टू प्रोटेक्ट योर लिबर्टी, राइट। तो आप बोलेंगे मैडम तो इसे प्रूफ कौन करेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? इसे प्रूफ करने वाला में आते हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट कम फॉरवर्ड्स एंड विल एक्सप्लेन कि इस इंडिविजुअल ने कैसे मर्डर किया था। पुलिस जो है वो उनका बंदूक रखेगी, पुलिस जो है उनके कपड़े रखेगी, उनका फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेकर रखेगी, प्रूफ करने के लिए कि वही इंडिविजुअल है जिसने सारे लोगों को मारा है। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज हाउ गाइस, दिस इज हाउ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल अगेंस्ट द पुलिस एनी अगेंस्ट एनी अंडर पर्सन। कहीं ना कहीं आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 इज प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल फ्रॉम हिमसेल्फ ऑल्सो। सो हमने अब तक क्या पढ़ा है? नंबर वन, कोई भी इंडिविजुअल को भाई लॉ से ज्यादा का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, राइट? हम इसे लॉ से ज्यादा का पनिशमेंट नहीं देंगे, हम जितना पनिशमेंट उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ने सैंक्शन किया है हम उतना ही करेंगे। उसके बाद नंबर टू क्या बोलता है कि देयर विल बी नो डबल जियोपडी, कोई डबल जियोपडी नहीं होगा। एंड नंबर थ्री क्या बोलता है? देयर शैल बी नो इनक्रिमिनेशन। अब आप बोलेंगे मैडम आपने ये सारी चीजें बोला, वेरी गुड, आपने ये हमें नहीं बताया भाई आप लोग तो लाई डिटेक्टर टेस्ट आजकल कर रहे हो, देयर इज समथिंग नोन एज लाई डिटेक्टर, आप लोग ब्रेन स्कैनिंग कर रहे हो, यू पीपल आर डूइंग ब्रेन स्कैनिंग ऑफ पीपल, राइट? आप ब्रेन स्कैनिंग कर रहे हो, आप जो है मेरा नार्को टेस्ट कर ले रहे हो, और ये नार्को टेस्ट वगैरह से यू आर एक्चुअली फोर्सिंग मी टू बी अ विटनेस अगेंस्ट माई सेल्फ। तो हमने क्या बोला कि नहीं, ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए किए जाते हैं, दे आर नॉट एडमिसिबल। मैंने क्या बोला? दे आर नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। कोर्ट जो है इनके बेसिस पे आपके खिलाफ कोई तरह का जजमेंट नहीं ले सकती। द कोर्ट कैन नॉट टेक एनी जजमेंट अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। कि ऐसा नहीं हुआ कि लाई डिटेक्टर का टेस्ट आ गया और इमीडिएटली कोर्ट ने अपना सेइंग कह दिया, ऐसा नहीं होता। क्यों? बिकॉज ये जो सारी चीजें हैं दे आर यूज फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पसेज ओनली, दे आर नॉट ट्रीटेड एज लीगल एविडेंस। ऑल राइट, अच्छा अब चलिए मैं आपको एक नई चीज सिखाती हूँ। आई विल टेल यू वॉट इज नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब लेट मी टेल यू कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस होता क्या। देखो नेचुरल जस्टिस की बात जब मैं कर रही हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल जस्टिस, दीज आर प्रिंसिपल्स जो नॉर्मली इन नेचर है। एज एन इंडिविजुअल आपको नेचर में ये वाली चीज मिल जाती है, राइट? तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब मैंने आपको क्या बोला दैट आर्टिकल That Article 20 is telling me that there is, you have the right to lawyer. Yes or no? कि हमारे पास जो है right to lawyer नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपका conviction हो गया और आपको पकड़ लिया गया और आपको court पे present किया गया। Court वाले जो है आपको ये option देंगे कि देखो भाई आपको आपके पास आपका lawyer होना चाहिए। समझे? आपने बोला कि मेरे पास तो सर पैसे नहीं है, मैं lawyer नहीं ला सकता। Court आपको बोलेगा कोई बात नहीं, मैं पैसे दूंगा, मैं तुम्हें एक lawyer provide करूंगा और ये लॉयर जो है वो आपका केस लड़ेगा। अब दिस इज द ऑप्शन जो कोर्ट आपको देगा कि भाई फ्री में मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा सच दैट आप एक लॉयर बन सकते हो। आपको एक लॉयर मैं दे दूंगा, फ्री का मैं दे दूंगा, आप अपने आप को बचाओ उस लॉयर के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलो कि सर मुझे लॉयर की जरूरत नहीं है, तो कोर्ट आपको ये भी बोलेगा। ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर में अगर आपने अपना ये राइट खो दिया, समझ लो आपने केस हार गया फॉर वन रीजन कि आप खुद को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होगा कि हम आपका फिर से ट्रायल करेंगे। ये कोई ट्रायल एंड एरर नहीं चलने वाला। अगर ऐसा होता है वी विल कंसिडर इट लाइक दिस कि आप बिजी ही हो और आपको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट दिस वे। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ना बहुत सारे होते हैं। नाउ लेट मी टेल यू लाइक दिस, ठीक है? राइट टू लॉयर। नाउ समझ लीजिए एक जज है, ठीक है? समझ लीजिए एक इंडिविजुअल है, प्यारा सा ये इंडिविजुअल है, ठीक है? इस इंडिविजुअल ने ना इसके खिलाफ एक दिन पुलिस जो है वो कोर्ट में जाती है, ठीक है? ये इंडिविजुअल प्यारा सा बच्चा इंसान इधर ऐसे बैठा हुआ है, जज के पास पुलिस जाती है और जज के पास पुलिस जाके बोलती है सर इस इंडिविजुअल ने ना मर्डर कर दिया है, इसे ना आप टांग दो फांसी पे, 302 लगाओ, इसे टांग डालो।
क्या जज साहब क्या करेंगे? क्या सिर्फ एक बार पुलिस की बात सुनकर वो इस इंडिविजुअल को उठाकर बंद कर देंगे? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? वो ऐसा नहीं करेंगे, राइट? तो क्यों? बिकॉज ही विल वॉन्ट कि ये जो इंडिविजुअल है वो अपना साइड ऑफ द स्टोरी रखे. तो जज साहब क्या करेंगे, वो इसे एक लॉयर देंगे, बोलेंगे भाई तुम्हारा एक राइट टू लॉयर है, राइट? तुम्हारे आर्टिकल 20 में हम तुम्हें ये ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम्हें हम एक लॉयर देते हैं. तुमने एक क्राइम किया है, राइट? हमने आपको एक क्राइम किया है, मैं आपको एक लॉयर दूंगा. नाउ डू वन थिंग, लॉयर लेके तुम अपना केस मुझे बताओ, राइट? अब जज साहब एक ट्रायल करवाएंगे. इस ट्रायल में सारे के सारे पहलुओं को देखा जाएगा और पहलू लिखने के बाद वो अपना जजमेंट देंगे, राइट? दिस इज द प्रोसीडियर एस्टैब्लिश बाय लॉ. यस और नो? यही है ना प्रोसीडियर एस्टैब्लिश बाय लॉ. सो द पार्ट इन विच द जज अलाउज दिस इंडिविजुअल टू से हिज साइड ऑफ द स्टोरी, कि मैं इस जज को अलाउ कर रहा हूं टू गिव हिज साइड ऑफ द स्टोरी, दिस इज नोन एज ऑडी ऑल्टरम पार्टम. मैंने क्या बोला? ऑडी ऑल्टरम पार्टम. मैडम व्हाट इज दिस ऑडी ऑल्टरम पार्टम? ऑडी ऑल्टरम पार्टम जो है, आप आराम से इसे ऐसे देखो, ऑडियो, यस, या लिसन, इसे हम लिसन भी बोलते हैं. लिसन, ऑल्टरम का मतलब है ऑल्टरनेट. लिसन टू द ऑल्टरनेट पार्टी, यस. लिसन टू द अदर साइड, सिंपल तरीके से बोलो, लिसन टू द अदर साइड. तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का सबसे पहला जो पहलू होता है, दैट इज ऑडी ऑल्टरम पार्टम, जिसमें ये बोला जाता है कि अगर जज साहब के पास कोई भी केस आएगा अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जज साहब को दोनों पहलुओं के बाद सुनना पड़ेगा, राइट? आपको दोनों पहलुओं के बाद सुनना पड़ेगा, एंड दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. ओके, अब चलिए, अब मैं आपको आर्टिकल 22 में लेके जाती हूँ. All right. अब देखिए आर्टिकल 22 हमें क्या बोलता है. आर्टिकल 22 हमें बोलता है दैट इट इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट. मैं अगर आपको बोलूं, इट इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट arbitrary arrest, protection against arbitrary arrest and detention. आप बोलेंगे मैडम अब इसका मतलब हमें बता दीजिए. देखिए ये जो अरेस्ट है, this is only talking about, ये आपका दो तरह का अरेस्ट होता है इंडिया में, ठीक है? एक होता है punitive arrest. punitive मतलब किसी ने क्राइम कर दिया और ये क्राइम करने के बाद उसे अरेस्ट किया जा रहा है, राइट? और एक होता है preventive arrest, ठीक है? प्रिवेंटिव कस्टडी मतलब हमें ऐसा फील हो रहा है कि इस इंडिविजुअल को अगर हम खुला छोड़ देंगे तो हो सकता है कि वो ऐसा कोई क्राइम कर दे, तो उस इंसान को ये क्राइम अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक क्लॉज डाल दिया. ऑलराइट मैडम, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन तब किया जाता है जब एक इंडिविजुअल ने कोई क्राइम तो नहीं किया बट हमें ऐसा लगता है कि वो ये क्राइम करने वाला है, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो हम ऐसे दो लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं देते. मैम कौन है ये दो लोग? एक होते हैं इनमें से एनिमी एलियन. वन इज एनिमी एलियन मतलब एक एलियन, एक ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा फॉरेनर जो एक एनिमी कंट्री से हो. एनिमी कंट्री मतलब ऐसा कंट्री जिसके साथ इंडिया वॉर पे हो. तो अगर ऐसा कोई कंट्री का इंडिविजुअल इंडिया में आता है, उन्हें हम प्रिवेंटिव डिटेंशन उनके खिलाफ यूज कर सकते हैं, उन्हें इस चीज से फ्रीडम नहीं है. और अब मैम ये प्रिवेंटिव डिटेंशन कितने दिनों तक रहता है? देखो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो मैक्सिमम 3 months तक रह सकता है. इट कैन स्टे फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 months. मैडम अगर इसके बाद भी मुझे ऐसा लगे कि ये इंडिविजुअल मेरे खिलाफ कुछ गलत कर सकता है, तो भाई मुझे हाई कोर्ट जजेस का अप्रूवल लेना होगा. आई हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस, जो एक सफिशियंट कॉज के साथ, एक सफिशियंट कॉज, सफिशियंट रीजन के साथ उसके प्रिवेंटिव डिटेंशन को बढ़ाने का मुझे ऑप्शन देंगे. तो मैंने बोला, एज एन इंडिविजुअल मैं बोलती हूँ, सर दिस इज ग्रॉस रॉन्ग, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है, ये जो चीज की जा रही है ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है. आप तो किसी इंडिविजुअल का उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे आप उसे हमेशा बंद रख सकते हो. सो आई वेंट टू बी आर अम्बेडकर सर एंड आई टोल्ड हिम दिस.
बी आर अम्बेडकर जी ने मुझसे एक स्टेटमेंट बोला, वेरी ब्यूटिफुल स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने बोला दैट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, व्हेन देयर इज द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, इन दिस केस द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन विल बी कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम, द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन विल प्रिवेल. इस इंडिविजुअल को देश के लिए मैं प्यूनिटिव डिटेंशन कर सकता हूं. सो आंसरिंग द क्वेश्चन, मैडम प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या लीगल है? एब्सोल्युटली लीगल है, एब्सोल्युटली वैलिड है. किसी का फंडामेंटल राइट छीना नहीं जा रहा है. देश के हित में हमने इस इंडिविजुअल को कुछ दिनों तक डिटेन करके रखा हुआ है. ऑलराइट, सो हमने सारे क्लॉजेस पढ़ लिए हैं राइट आर्टिकल 22 के. अब नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल 21 के साथ जो है वो हम एक्सटेंड करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय.